नमस्कार जी, आपका एक फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग विंध्याचल पे। रंग ग्रुप के चैनल पे आप हो, रंग एस्ट्रो एंड रंग विंध्याचल हमारे दो प्राइमरी चैनल हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं भाग्यांक के बारे में। हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने भाग्यांक 6 तक के बारे में जाना है, और अभी आप जानेंगे भाग्यांक 7 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भाग्यांक है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, दो अंक हमारे जीवन से हमेशा जुड़े होते हैं, जिनमें एक है हमारा मूलांक, जो कि हमारे डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है, एंड एक है हमारा भाग्यांक, जो कि फुल डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है। डेट ऑफ बर्थ यानी कि जब आपका जन्म हुआ जिस तारीख को, उससे आप मूलांक पता कर सकते हैं। एंड भाग्यांक आप अपने जिस दिन आपका जन्म हुआ वहाँ से लेके जिस महीने में आपका जन्म हुआ और जिस साल में आपका जन्म हुआ, सबका जब योग आप एक बनाएंगे तब जाके आपको भाग्यांक का पता चलता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका किसी भी महीने की 15 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक होगा 15 को एक दूसरे में जोड़ दे, 5 + 1 = 6, तो आपका 6 होगा मूलांक। लेकिन अगर भाग्यांक की बात होगी तो फिर उसमें मंथ भी आपने ऐड करनी है एंड ईयर भी ऐड करनी है, और ऐड करने का तरीका यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे मान लो किसी का भी जन्म 10 तारीख को हुआ है, तो 1 + 0, मंथ अगर 11 था तो 1 + 1, ईयर था तो 1 + 9 + 8 + 9, ठीक है। तो ये जब सब कुछ आप ऐड कर दोगे तो उसके बाद आपको एक डिजिट मिलेगी। जैसे यहाँ पे इसकी डिजिट पूरी जोड़ के हुई 30, और 30 को आपस में आप जोड़ोगे तो निकल के आएगा एक अंक, जैसे इसमें निकल के आया 3, ठीक है। तो जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी ऐड करोगे तो आपको एक डिजिट मिलेगी, उसे आपस में जोड़ लेना, और जो एक खास डिजिट निकल के आएगी वो होगा आपका भाग्यांक। और भाग्यांक का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए हम भाग्यांक के बारे में आज जानेंगे कि भाग्यांक से आप कैसे अपने बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, बेसिक्स आप जान सकते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ आप इससे अपने बारे में जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा आपके स्वभाव के बारे में, या क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए थोड़ा सा बुरा है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा आगे आने वाले कुछ वीडियोज में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कार्य सबसे अच्छा रहेगा जॉब या नौकरी या आजीविका के लिए, और कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी रहेगी, इन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और आ जाते हैं हमारे टॉपिक भाग्यांक 7 के बारे में, जानते हैं कैसे होते हैं इस लोग। सबसे पहले भाग्यांक 7, इसके स्वामी केतु हैं, केतु से प्रेरित ग्रह है, और इसमें उनका काफ़ी कुछ प्रभाव आपको अपने जीवन में व्यक्ति के झलकता है। ऐसे लोग निश्चित तौर पे बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, मोक्ष के प्रति जिंदगी का मर्म समझने की कोशिश हमेशा रहती है इनके मन में कि हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए वगैरह चीज़ें इनके मन में हमेशा चलती रहती है। और सामान्य जीवन जीते हुए भी ये परम कल्याण के हेतु अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। काफ़ी धार्मिक किस्म के भी होते हैं, चूँकि जैसे ही केतु का प्रभाव है तो धर्म भी बहुत ज़्यादा होगा, और उतनी ही मात्रा में ये लोग गलत चीज़ों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। ये हमेशा द्वंद्व में फंसे होते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन्हें सब कुछ ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा IQ इनकी अच्छी होती है, लेकिन ये उसे अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 90% लोग मिश्रण में रह जाते हैं, 50-50 में रह जाते हैं, 10% लोग ही हैं जो इससे ऊपर उठ के एक महान जीवन अपने आप के लिए और अपने जीवन को एक महान अस्तित्व दे पाते हैं और बना पाते हैं। इन लोगों में जो अगर बात करें कि क्या खास इन लोगों में अगर औरों से अलग है, तो बात करेंगे विश्वास। ये लोग कभी किसी को धोखा नहीं देना जानते, ये लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन एक हद से ज़्यादा किसी के काम भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये इन लोगों में एक अलग चीज़ें होती हैं। ये लोग सर्वप्रथम अपने निजी हित को आगे रख के सोचते हैं, सार्वजनिक हित इनके लिए बाद में आता है। इसके अलावा खेल वगैरह में भी ये लोग काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं और काफ़ी आगे तक ये लोग उसमें जाते हैं। इसके अलावा आगे तक सोचने की क्षमता इनकी काफ़ी होती है, एज ए आर्किटेक्ट ये लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा कोई अगर जैसे कि मान लो कि कुछ अंदाज़ा लगाना हो तो उसमें ये लोग बड़े माहिर खिलाड़ी होते हैं, अंदाज़ा लगा के काफ़ी सटीकता से आपको किसी भी चीज़ के बारे में बता देंगे, तो इनमें काफ़ी एक खूबी भरी होती है। इसके अलावा व्यवसाय के क्षेत्रों में भी ये लोग अच्छा नाम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय इनका इधर से उधर नए नए पैसे कमाने के साधन ढूंढने में ज़्यादा इन लोगों का निकल जाता है। इन लोगों में एक अलग सी चीज़ होती है।
इसके अलावा इन लोगों का प्रेम संबंध काफी अच्छा होता है, काफी लंबा जाता है, वैवाहिक जीवन काफी अच्छा होता है। तो दोस्तों ये था कुछ खास जिनका भाग्यांक 7 है उनके लिए। अगले एपिसोड में फिर मिल रहे हैं भाग्यांक 8 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।